सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1, रग रग में दौड़े सिटी। हाँ जी नमस्कार, मैं सिटी का राउडी राजा बोले तो आरजे अभिषेक हर सुबह 7 से 11 एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ कुछ खास मुद्दों के साथ। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, लोकसभा 2019 के इलेक्शन चल रहे हैं, 91 सीट्स के लिए इलेक्शन हो चुके हैं 11 अप्रैल को। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 7 सीटों के लिए चुनाव हुए। नागपुर की बात करें तो यहां पर वोट परसेंट रहा सिर्फ 58%। जी हाँ, 42% लोग सोए रहे, उन्होंने वोट नहीं दिया। जबकि सरकार कितनी मेहनत करती है, कितने पैसे खर्च करती है, कितने कैंपेन किए जाते हैं लगातार ये बताने के लिए कि आपका एक एक वोट कितना कीमती है। एक ऐसी मेहनत, एक ऐसी पहल सरकार ने पहले भी की थी 2014 के इलेक्शन के बाद, सखी मतदान केंद्र जिसे पिंक बूथ भी कहते हैं। अब ये बूथ क्यों खास होता है, ये आपको हम इस वीडियो में दिखाना शुरू करते हैं। नागपुर के पास भंडारा जिला है, वहां पर विहिरगांव है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसका द्वार सजाया गया है। अंदर एंटर होते ही लिखा हुआ है सखी मतदान केंद्र, और अंदर आप जाते हैं तो और आपको फील होता जाता है कि आप किसी शादी को अटेंड करने आए, बल्कि ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर वोट देने आए हैं। दरअसल पूरे बूथ की खासियत ये होती है कि ये बूथ महिला अधिकारियों के हाथ में होता है, महिला सुरक्षा कर्मियों के हाथ में होता है, यानी कि महिला वोटिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आमतौर पर वोट परसेंट देखा जाए तो महिलाओं का कम आंका जाता है, कम दिखाई देता है, तो उनके वोट्स को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए पिंक बूथ यानी कि सखी मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई। बाकी आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जो मेन वोटिंग रूम है उसके बाहर भी गुब्बारों से पूरा द्वार बनाया गया है, और तो और उसके अलावा रंगोलियां बनाई गई है। और तो और एक और चीज जो मुझे सबसे खास लगी वो ये कि सेल्फी लेने वाले शौकीन महिलाओं के लिए या लोगों के लिए वहां पर सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पिंक बूथ की खासियत मैं आपको बताता हूं कि आमतौर पर महिलाएं जाती हैं तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों के खेलने के लिए वहां पर खिलौने भी रखे जाते हैं, उनके नाश्ते पानी की बंदोबस्त भी किए जाते हैं। तो कुल मिला के इतना सारा बंदोबस्त किया जाता है सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका एक मतदान, आपका एक वोट कितना कीमती है। और हमें से बहुत सारे लोग करते क्या है, घर पे सोए रहते हैं, अपनी छुट्टी का नाजायज फायदा उठाते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है यार घूम के आएंगे, एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा। एक वोट जो है वो 100 वोट में तब्दील होता है, 100 वोट हजार, हजार लाखों में जाते हैं, और लाखों वोट मिलके हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी सरकार तय करते हैं। मैं खास उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा जो लोग वोट नहीं करते हैं और पूरे 5 साल सरकार को कोसते रहते हैं, रोज ताने मारते रहते हैं और चाय की थड़ी पर बैठकर गप्पे मारते हुए कहते हैं कि भाई सरकार ने कुछ किया नहीं, आप 5 साल चुप रहिएगा, 5 साल बाद अगर आप वोट देते हैं तब जाके आप बोलिएगा। लेकिन अभी भी सिर्फ 91 सीट्स पे चुनाव हुआ है, कई चरण बाकी हैं, तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने एक वोट की कीमत को समझिए, वोट जरूर दीजिए, यह हमारी ताकत है। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1, रग रग में दौड़े सिटी।